हेलो, वेलकम यू गाइस, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भारी वैकेंसी निकली है। ओके, यहाँ पे वैकेंसीज अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, बट वैकेंसी कम से कम 250 के अबव ही रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, ध्यान में रखिए। ओके, 250 एंड अबव वैकेंसी रहती है। लास्ट वैकेंसी आने के बाद कम से कम अभी 4 साल हो गया, कोई वैकेंसी नहीं आया है। तो देयर मे बी ए चांसेस कि 250 एंड अबव वैकेंसी, कम से कम 200 तो हो ही सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। ओके, और MNS में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सैलरी क्या बनने वाला है, कितने साल तक नौकरी कर पाएंगे, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना, सब कुछ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी रिलेटेड जो वीडियोस लेके आऊँगा वो फट से आप देख पाओगे। ओके, सभी को पता है MNS, ओके, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, सभी को पता है कि जो कि वैकेंसी निकली है 2023-24 के लिए, किस में निकली है, आर्म फोर्स में। ओके, आर्मी में। ओके, अब देखो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता था। इसमें अप्लाई कर सकते हैं MSc पास आउट कैंडिडेट, PB BSc पास आउट कैंडिडेट एंड BSc नर्सिंग पास आउट कैंडिडेट। ओके, और कौन, ओनली फीमेल, ध्यान में रखना, फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट के लिए MNS में कोई वैकेंसी नहीं होती है। मेल्स के लिए नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, जिसकी वैकेंसी लास्ट ईयर आ चुकी है, मेरे चैनल पे मैंने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया था। ओके, अभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज फीमेल के लिए निकली है, और वहाँ पे सिर्फ MSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, जो कि रहती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC बोलते हैं इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ध्यान में रखना। ओके, इसके लिए आप इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन MSc, PB BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग, यहाँ पे GNM कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। GNM के साथ अगर 2 साल का, 2 ईयर्स का PB BSc नर्सिंग किया है, तो आप PB BSc के नर्सिंग के ऊपर ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके साथ ही आपका INC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन का या स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ओके, शुड बी रजिस्टर्ड विद द मिडवाइफ ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, कोई भी स्टेट के हो आपको रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वो भी रिन्यू होने वाला। ओके, हो गया वाला। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988, ओके, से लेके 26 दिसंबर 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ओके, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो, ध्यान में रखना। कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 to 35, यही क्राइटेरिया है, और कुछ SC ST OBC ऐसा कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। तो आपका एज 21 कंप्लीट होना चाहिए एंड 35 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो, PB BSc, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग हुआ है, तो आप अप्लाई कर देना। ओके, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस जो होगा वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। ये रिटर्न एग्ज़ाम के बाद फिजिकल फिटनेस होता है, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका होता है मेडिकल फिटनेस, वही फिजिकल फिटनेस। ओके, अभी मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें ओके यहाँ पे ओनली एलिजिबल फॉर्म भरने के बाद एलिजिबल की लिस्ट लगेंगी, और वही एलिजिबल जो कैंडिडेट रहेंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना होगा। कहाँ पे होगा, नेशनल NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्जामिनेशन होने वाला है 14 जनवरी 2024। इन्होंने डेट भी दे चुके हैं कि 14 जनवरी को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे होने वाला है, ऑल ओवर सेंटर्स, ऑल ओवर इंडिया दिए जाएंगे, महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंटर्स आएंगे। ओके, हो सकता है नागपुर आए, पुणे आए, मुंबई आए, हो सकता है, ठीक है। देन इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग नर्सिंग, इंग्लिश,
देन उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के, ओके। सो देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, ओके। अब बात बता दूँ, 100 मार्क्स का पेपर रहता है इसका, ओके। इन्होंने दिया नहीं, इसमें से एक 75 आपके नर्सिंग के सवाल रहते हैं और 25 आपके इंग्लिश, प्लस आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस में इसमें मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड्स वगैरह सब मिला के ऐसा 100 मार्क का पेपर रहता है। उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये वन आर का पेपर होता है, ओके। ध्यान में रखना, ये सिर्फ 1 आर का पेपर होता है। लास्ट टाइम जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, यानी 100 में से आपको 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको www.joinindianarmy.nic.in यहाँ पे मिल जाएगा, एंड NTA के वेबसाइट पे, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू, फॉर हाउ टू फिल फॉर्म, सब ये NTA के वेबसाइट से आपको भरना है, ओके। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ओके। और इंटरव्यू होने के बाद मेरिट बेसिस पे आपको ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है? इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली में, ओके। इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली में, ओके। जितने कैंडिडेट चाहिए, अगर उनको 200 चाहिए तो भाई उनके उतने कैंडिडेट को वो बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, या थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें, रिक्वायर्ड कैंडिडेट के हिसाब से एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट के हिसाब से। दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला है अवेलेबल वैकेंसी के हिसाब से, ओके। और इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड इंटरव्यू कम से कम एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दोनों मिला के 3 से 5 दिन का आपका यहाँ पे दिल्ली में होगा। वो उस टाइम पे आपका अरेंजमेंट, अकोमोडेशन, ये आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको खुद को करके जाना पड़ेगा, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है, नो क्वेरीज नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होने वाला है मेरिट बेसिस पे होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस कैसे होगा, तो बेसिकली एक्सरे एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल बोर्ड वहाँ पे अरेंज किया जाएगा ऑफिसर्स का, देन एक्सरे एग्जामिनेशन चेस्ट का होगा, USG होगा एब्डोमिन का, ओके। उसके बाद प्रेगनेंसी अगर है तो रिजेक्शन होने के चांसेस है, तो अगर प्रेग्नेंट, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट रहेंगी इस दौरान एंड आप मेडिकल के लिए जाओगे तो बेसिकली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। द लेडी कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फिट आफ्टर द 24 वीक्स ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी, ओके। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंड नॉर्मल डिलीवरी के बाद कम से कम 24 वीक होने के बाद ही आप फिट होंगे, ध्यान में रखना। अगर आपका MTP हुआ है तो MTP होने के बाद 12 हफ्ते के बाद ही आप फिट होगे, तभी आप मेडिकल फिट होगे, अदरवाइज आपको ये कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एंड सीजरियन सेक्शन हुआ है तो कम से कम 12-52 वीक्स, यानी 1 साल, ओके। समझ लो अभी आप अभी मेडिकल के लिए जा रहे हो तो उसके पहले, 1 साल के पहले अगर सीजरियन हुआ है तो इट्स ओके, नहीं तो आपको सिलेक्शन से क्या कर देंगे, बात कर देंगे, यानी आपको नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, मेडिकल आप पास नहीं कर पाओगे। फिट अनफिट जो भी रहेगा ये सब कुछ मेडिकल बोर्ड अपीलिंग रिव्यू वगैरह सब वहाँ पे होगा। फाइनल सिलेक्शन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एज पर द वैकेंसी एंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से, एंड मेडिकल फिटनेस मिलने के बाद ही आपको कॉल लेटर आएगा, ओके। आर्म फोर्स के हिसाब से TA आपको, हाँ, रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद आपको इसके लिए अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है स्लीपर क्लास का रेलवे के तरफ से, वो इसके स्लीपर क्लास रेलवे का फेयर आपको मिल जाएगा आर्म फोर्स के हिसाब से, ओके। आपको ओरिजिनल टिकट दिखा दोगे तो आपको रिफंड हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी कैसी रहने वाली है, यानी किस तरीके से, SSC जो रहता है MNS का, 5 साल 5 साल 4 साल का SSC रहता है। अभी ज्वाइनिंग हो गया, 5 साल के बाद और एक इंटरव्यू होगा और आपको और 5 साल ले लेंगे, और इंटरव्यू होगा और 4 साल लेंगे, इस तरीके से आपकी ये शॉर्ट सर्विस होती है। उसके बाद आफ्टर 14 ईयर्स आप परमानेंट जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट कमीशन में आप बैठ सकते हो। यहाँ पे भी आपको सैलरी सब कुछ आर्मी के हिसाब से मिलेगा, बट क्या होता है, बहुत सारे लोग एक 14 ईयर्स काम करके ये आर्मी छोड़ देते हैं, ओके। एंड उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, इधर आके एक सर्विसमैन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एनी अदर इसमें काम करते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपको आर्मी में रहना है तो उसके बाद 14 साल के बाद परमानेंट इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा,
तो आपको फिर वहाँ पे भी रेगुलर सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको पहले 5 ईयर्स में, पहले साल में, यानी समझ लो यहाँ पे नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन फॉर द चॉइस ऑफ पोस्टिंग थ्रू एनी मीन्स इन द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। आप SSC शॉर्ट सर्विस में ज्वाइन कर रहे हो तो पहले 5 साल में जिधर आपको भेजा जाएगा, जो हॉस्पिटल में, जो एरिया में, कहीं पे भी हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, लद्दाख हो सकता है, कहीं भी आपको सर्विस कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई भी तरीके का रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओके। उसके बाद एमोलमेंट्स कितना रहने वाला है, यानी सैलरी पे वगैरह कैसे रहने वाला है, तो इस तरीके से रहने वाला है कि आपका रैंक, स्टार्टिंग रैंक लेफ्टिनेंट का रहने वाला है और विल बी एंटाइटल फॉर फुल पे एंड अलाउंसेस एडमिसेबल टू द लेफ्टिनेंट एज पर द MNS पे मैट्रिक्स, ओके। देखिए कोई भी अगर ऑफिसर लेवल, लेफ्टिनेंट दिस इज ऑफिसर, ऑफिसर लेवल का पोस्ट रहता है, इनिशियल एंट्री पोस्ट रहती है, कोई भी हो, नर्सिंग का बंदा रहे या आर्मी का बंदा रहे या कोई मेडिकल का डॉक्टर रहे, कोई भी रहे, उसका एंट्री यहाँ पे इस तरीके से रहता है। वहाँ पे कोई आपको डॉक्टर, कोई नर्स नहीं बोलता है, वहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट के नाम से जाना जाएगा। सबकी एक ही एंट्री एंट्री होती है, दैट इज़ लेफ्टिनेंट। इसका सैलरी स्टार्टिंग रहता है 5600 का आपका ये बेसिक बनता है। इसमें पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ये रहते हैं वो लागू होते हैं, प्लस इसके साथ मिलिट्री के अलाउंसेस लागू होते हैं, ठीक है। ऐसे मिला के आपकी सैलरी नियर अबाउट 1,25,000 की सैलरी आपकी इनिशियल बन सकती है अगर एज अ MNS आप ज्वाइन करते हो। एंड उसके बाद राशन, उसके बाद जो मिलिट्री के जो कार्ड्स वगैरह रहते हैं उसके बेनिफिट्स, ये सब ये अलग से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऑन एंट्री आपको लेफ्टिनेंट आपको मिलेगा, उसके 3 साल के बाद आपको कैप्टन बन जाओगे, उसके 8 साल के बाद आप मेजर चले बने जाओगे। तो दिस इज़ द प्रमोशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर इसमें हो गया, ये 11 सर्विस होने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट सर्विस कमीशन छोड़ के जा सकते हो। आपको एक सर्विसमैन का दर्जा भी और बाकी जो भी अलाउंसेस रहेंगे, जो भी बेनिफिट्स रहते हैं, वो आपको मिल के आप छोड़ सकते हो, ओके। पहले 5 साल का था, अभी 11 साल का उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन कर दिया है, ओके। और इसके बाद परमानेंट कमीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको मिलिट्री नहीं छोड़ना है तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये प्रमोशन ये वगैरह आप देख सकते हो। तो बेसिकली अभी शॉर्ट सर्विस आप देख लो, तो लेफ्टिनेंट एज अ बोल के, लेफ्टिनेंट बोल के आप ज्वाइन करोगे, आपका सैलरी 1,25,000 से लेके 1,35,000 के बीच में रहने वाला है। उसके साथ में आर्मी के पूरे अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है। अब ये फॉर्म भरने के लिए आपको NTA के वेबसाइट पे जाना है, ओके, www.ntaac.in, यहाँ पे जाना है। आपको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन पढ़ लो, फॉर्म अच्छे से भर लो, ओके। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, सब कुछ यहीं पे, पेमेंट, एडमिट कार्ड, फीस, सब प्रोसेस NTA की वेबसाइट में होने वाली है। 11 दिसंबर से फॉर्म शुरू होने वाले हैं और 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, और एग्जामिनेशन 14 जनवरी को इसका एग्ज़ाम रहने वाला है, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए, ओके। जो भी रहेगा, एक्टिव ईमेल आईडी आपको और 2 एक्टिव फ़ोन नंबर्स वहाँ पे डालने हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको फ़ीस कितना, 900 रुपीज़ का फ़ीस लगने वाला है, तो वो भी आपको भरना है, ठीक है, ऑनलाइन, ओके। उसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड कैन बी जनरेटेड ओनली ऑन NTA वेबसाइट में मिलने वाला है, ओके। अगर आपका सिलेक्शन शॉर्ट सर्विस में हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, देखो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं का सर्टिफिकेट, ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं, ओके, 10th 12th का सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, यहाँ पे ओके, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और DOB इसके लिए पूछा है। देन वैलिड रजिस्ट्रेशन, MSc BSc के सब डॉक्यूमेंटेशन, मार्कलिस्ट, डिग्री सब, NCC सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगेगा, ओके, NCC वालों को वो थोड़ा सा प्राधान्य देते हैं, ध्यान में रखना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर गैजेटेड सर्टिफिकेट, दैट इज तहसीलदार और जो भी है आपके तालुका अधिकारी के पास जाके बना सकते हो। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमेसाइल वगैरह, वोटर आईडी, आधार कॉपी, सब ये प्रूफ लगने वाले हैं। उसके बाद NOC, अगर आप कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो NOC आपको लेना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, और उसके साथ में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो 40 रुपये का जो स्टैम्प पेपर रहेगा, सॉरी स्टैम्प पैड रहेगा, स्पीड पोस्ट
वो आपको लेटर वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसी में आपको यही स्टैम्प जो एनवलप रहेगा उसमें ही आपका ऑर्डर डाल के वो भेजेंगे। ओके, तो सो दिस इज़ अबाउट द व्हाट यू से। तो ये है एप्लीकेशन पेमेंट, सब आपको ऑनलाइन भरना है, कोई भी ऑफलाइन मोड का कोई यहाँ पे ये दिया नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन NTA के वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। तो बताइए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लगभग 200 वैकेंसीज यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। सैलरी अच्छा है, देखो नर्सिंग का 100 का पेपर रहने वाला है, उसमें से 75 आपके नर्सिंग के रहने वाले हैं, 25 आपके इंग्लिश रहने वाला है, प्लस आपका एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस ये रहने रैशनल वगैरह सब इसमें रहने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए 11 तारीख से NTA की वेबसाइट, ओके 11 तारीख से फॉर्म भर जाएंगे, 11 तारीख से, ओके ध्यान में रखना, ठीक है। 11 तारीख से, 11 दिसंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। तो वहाँ पे जाके आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अभी महाराष्ट्र में DMER DHS हो गया, दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। महाराष्ट्र में अपने महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग MNS में जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया से भी जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग गए हैं। ओके, सो डोंट वरी, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनसे ही पूरा इन्फॉर्मेशन लेके ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो प्लीज़ पढ़ाई अच्छे से करिए, ओके। तो और कोर्सेज मैंने अपने जो प्ले स्टोर पे जाइए, अपना लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है वो डाउनलोड करिए, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज मैंने अपलोड करके रखे हैं, टेस्ट सीरीज ये वगैरह सब, वहाँ से भी नर्सिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। MCQs प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो प्लीज़ पढ़ाई अच्छे से करिए, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।